तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर आउटडोर स्पोर्ट कौन सा है, तो आई गेस हर बंदे का आंसर क्रिकेट ही होगा, चाहे आप विराट कोहली या एमएस धोनी के फैन हो या ना भी हो। बट इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया में स्पोर्ट्स की फील्ड में क्रिकेट ही डोमिनेट करता है। वेल, जो लोग क्रिकेट और गेमिंग दोनों के फैंस हैं, वो तो इंडोर्स में भी क्रिकेट से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और इसी वजह से वो अपने मोबाइल में कुछ अच्छे क्रिकेट बेस्ड गेम जरूर ढूंढते रहते होंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेम्स गॉसिप इंडिया। आज की इस वीडियो में कुछ उन्हीं बेस्ट क्रिकेट गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनमें कुछ के पास रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं तो कुछ के पास अच्छा गेम प्ले और कुछ बस खाली समय में टाइम पास करने के लिए है। वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया की फ्रेंचाइज है और इसका सेकंड टाइटल प्ले स्टोर में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली क्रिकेट गेम है, जिसके अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इसका पहला गेम 2011 में आया था, जो उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक 3D ग्राफिक्स और गेम प्ले ऑफर करता था। बट इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट तो मेरे नजर में फिलहाल बेस्ट मोबाइल क्रिकेट गेम है। इसके ग्राफिक्स काफी रियलिस्टिक है, इसमें हमें काफी सारे टूर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं, सारे प्लेयर्स लाइसेंस भी है, फिर इसमें 9 रियल लाइफ कमेंटेटर्स हैं और 7 लैंग्वेजेस में कमेंट्री अवेलेबल है। अगर चाहो तो अपनी खुद की टीम बिल्ड कर सकते हो एज अ कैप्टन, मैनेजर या फिर कोच। इसमें आप अपने स्किल्स की मदद से काफी यूनिक शॉट्स भी खेल सकते हो। इसके मैच से पहले, मैच के टाइम और पोस्ट मैच कटसीन्स भी एक्साइटिंग है, जो ऐसा लगता है मानो टीवी पर लाइव क्रिकेट ही देख रहे हो। इसमें सारे फेमस स्टेडियम्स और लोकेशंस भी हैं जहां जाकर हम अपने झंडे गाड़ सकते हैं। वेल, नेक्स्ट गेम इस लिस्ट का सबसे यूनिक गेम है, क्योंकि इससे आप क्रिकेट खेल के पैसे अर्न कर सकते हो एंड ये स्पॉन्सर्ड है बाय पेप्सी। नहीं, ये कोई गैम्बलिंग टाइप की चीज नहीं है, बल्कि पहला क्रिकेट NFT गेम है। मैंने पहले भी प्ले टू अर्न क्रिप्टो गेम्स के बारे में आपको बता रखा है एंड ये कुछ ऐसा ही है। इसका नाम है MCL यानी मेटा क्रिकेट लीग, जिसे लेकर आया है जम ट्रेड। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं इसके बारे में एंड इसे खेलने के लिए आपको बस 2 NFTs खरीदने होते हैं, बैट्समैन का एंड बोलर का, फ्रॉम द जम ट्रेड मार्केट प्लेस। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके बाद आप खेल सकते हो गेम जिसमें 24/7 टूर्नामेंट चलती रहती है। फ्लिपकार्ट एंड कैडबरी जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी MCL की टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर किया है और करंट जो टूर्नामेंट चल रही है उसका स्पॉन्सर है पेप्सी। तो गेम को डाउनलोड करो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, टिकट के NFTs खरीदो फ्रॉम जम ट्रेड मार्केट प्लेस एंड खेलना शुरू करो, जिससे ऑब्वियसली पैसे अर्न कर पाओगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है खेलने का तो उन NFTs को वापस सेल भी कर सकते हो मार्केट प्लेस में। तो फिर इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड NFTs बाय करके खेलना और कमाना शुरू करो। रियल क्रिकेट नॉटलेस मोबाइल की फ्लैगशिप सीरीज है, जो 2014 में शुरू हुई थी। इस समय इस गेम के ग्राफिक्स रियलिस्टिक नहीं थे, बल्कि कैरेक्टर एनिमेशन 2D में स्क्रिप्टेड थी, पर फिर भी इसे लोगों ने काफी पसंद किया। धीरे धीरे इन्होंने नए गेम्स के साथ बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए और ग्राफिक्स भी 2D से 3D जनरेशन में आ गए। इसका लेटेस्ट टाइटल रियल क्रिकेट 22 में तो रियल कमेंटेटर्स की वॉइस ओवर्स भी हैं, जो आपको एक रियलिस्टिक फीलिंग देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इसके कैरेक्टर मैकेनिक्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन काफी ज्यादा डेवलप हो गए हैं। इसमें 500 से भी ज्यादा शॉट्स को आप अपने स्किल्स की मदद से कर सकते हो, यानी चीजें रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगी। स्टेडियम भी काफी ऑथेंटिक और रियलिस्टिक बनाए गए हैं, जिससे हम अपने फेवरेट लोकेशंस पर अपने स्किल्स को शो ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो और आपको गॉड ऑफ क्रिकेट के बारे में ना पता हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गेम हमारे एस क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर को ही डेडिकेटेड है और इसे जेट सिंथेसिस ने डेवलप किया है। बट हम इसमें और भी बाकी प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं और लेजेंड्स जर्नी मोड में हम सचिन के हिस्टोरिक मैचेस को भी खेल पाएंगे। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, स्टेडियम्स हैं और हम अपना ड्रीम स्क्वाड भी बना सकते हैं। ICC क्रिकेट मोबाइल अभी अपने अर्ली एक्सेस स्टेज में है और इसे एनकोर स्टूडियोज डेवलप कर रही है। इस गेम में भी काफी सारे स्टेडियम्स और उनमें डे नाइट मोड्स का ऑप्शन मिलते हैं। ग्राफिक्स और करेक्टर मैकेनिक्स भी काफी अच्छे हैं। अदर फैक्टर्स की बात करें तो इसमें भी हमें 2 रियल कॉमेंटेटर्स देखने को मिलते हैं। वेल, इसके कंट्रोल्स अभी उतने अच्छे नहीं है और थोड़ी बहुत मुश्किल होती है शॉट्स खेलने में, बट देखते हैं कि फाइनल रिलीज में डेवलपर शायद कुछ इंप्रूवमेंट्स ला पाए। T20 क्रिकेट चैंपियंस 3D ZPAC ने डेवलप किया है। इसमें हम इंटरनेशनल और प्रीमियर लीग दोनों खेल सकते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो वो ठीक ठाक 3D एक्सपीरियंस देते हैं, बट एनिमेशन और करेक्टर मैकेनिक्स वगैरह काफी सही हैं। और टाइम टू टाइम काफी लाइव इवेंट्स भी आते रहते हैं, जिसमें अच्छा परफॉर्म करके हम स्कोर बोर्ड में ऊपर भी जा सकते हैं। क्रिकेट लीग को जानी मानी कंपनी मिनी क्रिप ने डेवलप करा है और ये ऑनलाइन प्लेयर वर्सेस प्लेयर सेंट्रिक गेम है, जहां हम दुनिया भर के प्लेयर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ही 2 ओवर के क्विक मैचेस खेल सकते हैं। इसमें हम 25 करेक्टर्स को कलेक्ट करके उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें हम नए मूव्स जैसे कि बॉल डिलीवरीज और बैटिंग शॉट्स भी अनलॉक कर पाएंगे। ऑनलाइन एक्सपीरियंस की बात करें तो ये गेम काफी अच्छा है। स्टिक क्रिकेट लाइव भी एक ऑनलाइन PvP क्रिकेट गेम है, जिसके स्टाइल रियलिस्टिक तो नहीं है लेकिन काफी यूनिक है। इसके विजुअल स्टनिंग भी हैं और प्लेयर्स के एनिमेशन भी काफी स्मूथ लगते हैं। इसमें हम अपने एवेटार क्रिएट और कस्टमाइज कर सकते हैं, फिर टाइम टू टाइम अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग वेन्यूज भी ट्राई करने को है। कंट्रोल्स काफी ईजी है समझना और यूज करना, बट हाँ, बाकी क्रिकेट गेम्स की ही तरह इसमें भी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। फिर अगर आपको ये पसंद आता है तो डेवलपर स्टिक स्पोर्ट्स ने स्टिक क्रिकेट के और भी टाइटल्स रिलीज किए हैं, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
न्यू स्टार क्रिकेट 5 स्टार एसेस पब्लिशिंग लिमिटेड की गेम है और ये मोस्ट ऑफ द पार्ट में टॉप डाउन पर्सपेक्टिव में खेली जाती है। बट बेस्ट बात ये है कि इसमें आप कैचिंग और फील्डिंग भी खुद कर सकते हो। बाकी गेम्स में तो हम मेनली बैटिंग, बॉलिंग और रनिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। करियर मोड का इमर्सिव गेम प्ले काफी एक्साइटिंग है, जहां हम रेगुलर पूरा मैच नहीं खेलते बल्कि हाईलाइट्स में अपना रोल प्ले करते हैं। ग्राफिक्स उतने खास ना होने के बावजूद ये काफी अच्छा और एंटरटेनिंग गेम है। वेल एंड पर आता है ऐसा गेम जो क्रिकेट का फुल पैकेज एक्सपीरियंस तो देने वाला नहीं, बट अगर आप बस 2 MB के अंदर फोन में टाइम पास गेम रखना चाहते हो तो डूडल बग क्रिकेट बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप बस बैटिंग करते हो और बस एक क्लिक से शॉट खेलते हो। इसके विजुअल्स काफी यूनिक है, जिसमें हमारा बैट्समैन एक क्यूट सा बग है। सो अगर कहीं खाली बैठे हो और बस मन लगाना है फोन पर तो ये गेम जरूर ट्राई करना, पर ध्यान रखना क्योंकि ये आपको एडिक्ट भी कर सकता है। वैसे लिस्ट का हर गेम कुछ ना कुछ यूनिक ऑफर करता है, सो आप अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से इन्हें ट्राई करना, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि एक बार सब ट्राई करो और फिर सही चुनो। ओवरऑल क्रिकेट क्रेज तो इंडिया से कहीं जाने नहीं वाला और ना ही डेवलपर्स रुकने वाले क्रिकेट गेम्स बनाने में, सो देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास और कैसे क्रिकेट गेम्स आते हैं। बट उसके अलावा आप MCL जरूर ट्राई करना, जो कि है मेटा क्रिकेट लीग, जो कि पहला क्रिकेट NFT गेम है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। We'll be right back.